दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना चौथे नंबर पर आती है। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही हर मुश्किल घड़ी से निपटने का जज्बा रखते हैं और इस जज्बे को कायम रखने के लिए भारत सरकार भी भारतीय सेना को हर जरूरी हथियार मुहैया करा रही है, जिससे भारतीय सेना को और मजबूती मिल सके। इसी के चलते 4 साल पहले 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर भारत और फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कुछ विमानों की खेप भारतीय सेना को मिल भी चुकी है। लेकिन ये तो रही आसमान में भारतीय सेना को मजबूत करने की बात। अब भारतीय नौसेना को देखा जाए तो वो समुद्र में कुछ खासा मजबूत नहीं है। इसी को लेकर भारत सरकार अब भारतीय नौसेना को भी मजबूत करने जा रही है। फ्रांसीसी राफेल के बाद अब अमेरिकी F-18 सुपर हार्नेट फाइटर प्लेन से भारतीय सेना लैस होगी। दरअसल अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग अगले महीने अपने अत्याधुनिक F-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू विमान भारत भेज रही है। गौरतलब है कि इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान का भारतीय नौसेना गोवा में INS हंसा के तटीय टेस्ट सेंटर पर परीक्षण करेगी। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो इन विमानों की भारत के नए स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए प्रमुख हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। मीडिया में आ रही खबरों में कहा गया है कि दिल्ली और वाशिंगटन से मिली जानकारी के मुताबिक INS विक्रांत से 21 मई को F-18 का ट्रायल उड़ान किया जा सकता है। आपको बता दें कि विक्रांत का डेक 928 मीटर लंबा है और ये भारत का इकलौता स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत को करीब पिछले एक साल से मरम्मत करके नया रूप देने का काम किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही ये समुद्र में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने लगेगा। इस वक्त INS विक्रांत को कड़े समुद्री परीक्षण से गुजारा जा रहा है। अभी तक इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं, लेकिन नौसेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए युद्ध पोत पर तैनाती के लिए नेवी 26 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। गौर करने वाली बात यह है कि INS विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को सेना को समर्पित करेंगे। अत्याधुनिक फीचर से लैस है F-18। F-18 मौजूदा 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में काफी अत्याधुनिक और अच्छा माना जाता है। दरअसल INS विक्रांत के डेक से ऐसे 8 F-18 विमानों को लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसके पंख फोल्ड कर दिए जाएं, तो ये युद्धपोत के ऊपरी हिस्से में भी पूरी तरह से फिट हो सकता है। हालांकि 2 सीटों वाले राफेल में ये सुविधाएं नहीं हैं, लिहाजा राफेल को सिर्फ तटीय आधारित केंद्र से ही अपडेट किया जा सकता है। यह इसके लड़ाकू क्षमता को कम भी कर देता है। हालांकि एक बात दोनों में एक ही समान है कि दोनों ही विमान कई तरह के गोला बारूद और मिसाइलें लेकर चल सकते हैं, लेकिन F-18 राफेल से इस मामले में अच्छा है क्योंकि इसमें 4 एंटी सबमरीन मिसाइलें भी फिट हो सकती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इस चैनल पर इसी तरह की नई नई अपडेट्स लाते रहते हैं।